नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से प्राप्त शिलाचित्रों का के बारे में चर्चा करूँगा, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। तो इलाहाबाद और मुगल सराय यानी जिसे अब प्रयागराज और दीन दयाल बहादुर उपाध्याय के नाम से जाना जाता है रेलवे स्टेशन, पथ मार्ग पर मिर्ज़ापुर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बिंद की कैमूर पर्वतमाला के भीतर सोन नदी की घाटी में डिखुनिया, भंडरिया आदि कुछ मुख्य गुहाएं हैं, जिनकी छतों और दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हैं। लिखुनिया दरी एक छोटी पहाड़ियों की गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कुछ घुड़सवार पालतू हाथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दिखाए गए घुड़सवारों के साथ हाथ में लंबे भाले हैं। यहाँ के एक अन्य चित्र में मुंह ऊपर उठाए मृत्यु कष्ट से कहरता एक जंगली सुअर जाना पड़ता है दिखाई देता है। इसी क्षेत्र में लोहरी नामक स्थान की एक दरी में एक आदमी हाथ में जलती हुई मशाल लिए बाघ का सामना कर रहा है। यहाँ पर पीले, काले, लाल व सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। ये मिर्ज़ापुर की बात है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखें, पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी में यह स्थान महादेव पहाड़ी में स्थित है। पंचमढ़ी के 5 मील के घेरे में 50 से करीब दरिया गुहाएं यानी गुहाएं हैं। इन सभी में चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ चित्रों के कई स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर में तख्तीनुमा, डमरूनुमा आकृतियों को बनाया गया है और लहरदार रेखाओं से शारीरिक गठन का बोध कराने का प्रयास किया गया है। यहाँ लाल पीले रंगों की अधिकता है। दूसरे स्तर में अगर देखें तो हाथ पैरों वाली बेडोल ओजपूर्ण आकृतियों का निर्माण किया गया है, जिसमें उनका शिकारी रूप भी चित्रित किया गया है। और तीसरे स्तर में देखिए तो स्वाभाविक है कि और झुकान प्रदर्शित होता है, स्वभक्तवा की ओर झुकान दिखाई देता है और इसमें आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए तथा शहद एकत्रित करते हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि शहद एकत्रित करते हुए कहाँ चित्र है, तो पंचमढ़ी का चित्र है। शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य, घुड़सवार, योद्धा, शस्त्रधारी सैनिक, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक तथा घरेलू जीवन से संबंधित अन्य अनेक चित्रों को यहाँ दरी दीवारों पर अंकित किया गया है। आइए बात करते हैं अगर होशंगाबाद की, तो होशंगाबाद में एक प्रमुख स्थान है जहाँ से जंगली भैंसों व हाथी के चित्र मिलते हैं। यहीं घुड़सवारों के दल का चित्र भी मिलता है। इस चित्र में रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति का आभास होता है। छलांग लगाते हुए बारहसिंघा, ये कहाँ से पूछा जाता है, ये चित्र के छलांग लगाता हुआ बारहसिंघा कहाँ से मिला है, तो होशंगाबाद से मिला है। एक अन्य सुंदर चित्र मिला है जो गहरी पृष्ठभूमि पर पीले रंगों रेखाओं से बनाया गया है। सिंघनपुर की बात करें तो सिंघनपुर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि गेरुआ, रामरज जैसे भू रंगों से बने। तो रायगढ़ जनपद में सिंघनपुर गांव के निकट कुछ गुफाएं मिली हैं। यहाँ चित्र अधिकतर गेरू और रामरज जैसे भू रंगों से बने हैं। यहाँ अधिकतर हरिण, छिपकली व जंगली भैंसों का अंकन किया गया है। यहाँ पर एक जंगली भैंसे के शिकार का बड़ा मनोहारी दृश्य अंकित है। अंकन की सजीवता यहाँ खरी उतरी है और भाव ओज रेखाओं में उमड़ता दिखाई पड़ता है। मंदसौर भी बहुत इम्पोर्टेंट आया है, मंदसौर के बारे में भी पूछता है हमारे एग्ज़ाम में, वहाँ के चित्रों के बारे में। तो देखते हैं कि मंदसौर जो है, मंदसौर जिले में मोरी स्थान पर बने चित्र भी बड़े प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 30 पहाड़ी गुफाएं हैं जिनमें अनेक चित्र हैं। इनमें मुख्य रूप से स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सर्वोत्त, भद्र, अष्टदल, कमल व पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह हैं। देहाती बांस की गाड़ियाँ भी यहाँ दिखाई गई हैं।
यहाँ अनेक पशु नृत्यरत मानव और ग्वाले पशुओं को हाँकते दिखाए गए हैं। भीमबेटका का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो भीमबेटका को देखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नाम की एक पहाड़ी स्थित है। होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल पथ पर मियाँपुर नाम का एक छोटा सा आदिवासी गांव है। उसके 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर भीमबेटका की एक खड़ी पहाड़ी है। यहाँ पर बने चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं। पहले स्तर पर हरिण, बारहसिंघा, सुअर, रीछ, भैंसे आदि जानवरों को चित्रित किया गया है। दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के स्थान पर साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। इन चित्रों में लाल, काले व सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत अगर जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके पूरा भीमबेटका के बारे में आप देख सकते हैं। आइए पहाड़गढ़ से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ आते हैं इम्पोर्टेंट, उसको देखते हैं। तो ग्वालियर से लगभग यानी मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर दूर मुरैना ज़िले में पहाड़गढ़ के निकट असान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के निकट की गुफाओं व शिला चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ के चित्रों में मनुष्य व जानवर सभी बने हैं, ये सब, और मानव आकृति तीरों, धनुषों व भालों से लैस जैसे हाथी घोड़े पर सवार है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और ये रहे हैं मध्य प्रदेश मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश यानी मध्य प्रदेश से शिला चित्रों का वर्णन। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन में टॉप पे ऑल पे क्लिक करें जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से बच के रहिए, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में कहीं अपना आप स्टडी ख़राब मत करिए। आप मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छा मौका मिला है आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।